नमस्कार। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 में आपका स्वागत है। आज यहाँ के सभागार में राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने जो शहर जो स्वच्छता में नंबर बनाए, जिन्होंने अच्छे काम किए, 100 शहरों का जो कुछ मुकाबला था, उस मुकाबले में कौन पहले नंबर पर आया, कौन दूसरे पर और तीसरे पर, सभी को पुरस्कार दिया गया। आइए आपको ले कर चलते हैं सभागार में। इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 में आप सबके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे खुशी है कि इंदौर ने भारत के सबसे सच्चे शहर के रूप में अपना स्थान बनाया रखा है। अब तो इंदौर देश की स्मार्ट सिटीज में भी सबसे ऊपर है। मैं इंदौर के सभी निवासियों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासन के अधिकारियों, केंद्र सरकार से संबंध विभागों तथा अन्य सभी स्टेक होल्डर्स की सराहना करती हूं। उनकी कर्तव्यनिष्ठा के परिणाम स्वरूप प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों में इंदौर प्रथम स्थान पर है। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 में मध्य प्रदेश द्वारा बेस्ट स्टेट का गौरव प्राप्त करने पर मैं राज्य के सभी निवासियों को राज्यपाल की, मुख्यमंत्री जी के और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती। स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के तहत चिन्हित अपने सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, जिसके कारण लोगों के जीवन में अधिक सुगमता आई है। तीनों शहरों को नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड से अब सम्मानित किया जाएगा। तो सबसे पहले नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड में तीसरा स्थान हासिल किया है आगरा शहर ने। सम्मानित किया जाता है सूरत शहर को। और देवी सज्जनों, अब आप सभी की तालियां रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये शहर झंडे के ऊपर झंडे गा रहा है। नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड में फर्स्ट प्राइज मिलता है इंदौर। देवी सज्जनों, आप इंदौर में हैं तो मुस्कुराइए और एक बार फिर से तालियों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं इंदौर वासियों को। स्टेट अवार्ड राजस्थान और उत्तर प्रदेश को, राजस्थान की टीम हमारे साथ मंच पर इस पुरस्कार को ग्रहण करते हुए। और अब जॉइंट विनर उत्तर प्रदेश की टीम को आप सभी की तालियों के बीच मंच पर आमंत्रित करते हैं। इस स्थान पर उत्तर प्रदेश की टीम अब मंच पर। और बेस्ट स्टेट कैटेगरी में सेकंड प्राइज से नवाजा जाता है तमिलनाडु को। स्टेट कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया है नंबर वन स्टेट ऑफ इंडिया दिव्य सज्जनों मध्य प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है मध्य प्रदेश को। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
राज्यपाल जी को, मुख्यमंत्री जी को, सहरसा की जनता को, यहाँ पर सभी मध्य प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं। आदरणीय कौशल किशोर जी, मध्य प्रदेश के शहरी विकास मंत्री, उनको भी मैं विशेष रूप से बधाई देता हूँ नंबर वन आने के लिए। मध्य प्रदेश के श्री भूपेंद्र सिंह जी, भाई तुलसी सिलावट जी, बहन उषा ठाकुर जी मेरे मंत्री मंडल के सहयोगी हैं, शंकर ललवानी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंदौर के मेयर। कैमरा पर्सन अमित श्रीवास्तव के साथ सत्येंद्र त्रिपाठी।